नमस्कार साथियों, आज से हम रोजाना राजस्थान के इतिहास से संबंधित किसी भी एक विलक्षण प्रतिभा के बारे में चर्चा करेंगे। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की वीर शतरानी हाड़ी रानी की, जिसने अपने पति द्वारा निशानी मांगे जाने पर अपना सिर तलवार से काटकर भेंट किया, ताकि उनके पति बिना किसी चिंता के अपना क्षत्रिय धर्म का पालन कर सके। साथियों, बात 17वीं सदी की है, जब दिल्ली की गद्दी पर मुगल सम्राट औरंगजेब आसीन थे, तथा उसी समय मेवाड़ पर सिसोदिया वंश के यशस्वी शासक राज सिंह शासन कर रहे थे। उसी समय किशनगढ़ के राजकुमार मानसिंह राठौड़ की बहन चारुमती से मुगल सम्राट औरंगजेब विवाह करना चाह रहे थे, परंतु चारुमती पहले ही राज सिंह जी को मन ही मन अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। अतः राजकुमारी जी ने पत्र द्वारा राज सिंह जी को सूचित किया कि या तो आप मुझसे शादी करके यहाँ से ले जावें, अन्यथा मैं किसी विधर्मी के साथ शादी करने के बजाय अपने प्राण देना ज़्यादा पसंद करूँगी। राजपूतों की आन बान और शान पूरे संसार में उजले सूरज के समान प्राचीन काल से ही दैदीप्तमान रहती आई है। राज सिंह जी जानते थे कि वीर शतरानी के प्राणों की रक्षा करना उनका धर्म है, परंतु उधर विशाल मुगल सेना का सामना करना भी सामान्य बात नहीं थी। युद्ध अवश्यंभावी था और युद्ध का परिणाम भी बिल्कुल साफ था। इसी क्रम में नाम आता है वीर शतरानी हाड़ी रानी का, जिनका मूल नाम सहल कंवर था और उनका विवाह हाल ही में उदयपुर में सलंबर ठिकाने के ठाकुर चूड़ावत रतन सिंह के साथ हुआ था। शादी को सिर्फ एक सप्ताह हुआ था, न हाथों की मेहंदी छूटी थी न हाथ पैरों का महावर। तभी उदयपुर के सिसोदिया सम्राट राज सिंह जी का एक हरकारा सूचना लेकर चूड़ावत के पास आता है। कहते हैं, वीर क्षत्रिय युद्ध में वीरगति को प्राप्त करना ही अपने जीवन का मूल उद्देश्य मानते हैं। अतः जैसे ही उनको औरंगजेब के आक्रमण की सूचना प्राप्त होती है, सूचना प्राप्त करते ही चूड़ावत रतन सिंह तुरंत युद्ध भूमि हेतु केसरिया बाना पहन अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अश्वारूढ़ हो जाते हैं, परंतु उनको अपनी नव यौवना नव विवाहिता पत्नी की चिंता सताई जा रही थी, क्योंकि युद्ध का अंतिम परिणाम उनको पता था। वे जानते थे कि वह उनका अंतिम मिलन है, अतः वे अपनी पत्नी के बारे में सोच कर चिंताग्रस्त थे। फिर भी युद्ध भूमि में जाने से पूर्व ठाकुर रतन सिंह ने अपने एक विश्वस्त सैनिक को भेजकर रानी से अपनी कोई निशानी देने हेतु कहलवा भेजा। कहते हैं कि राजस्थान के इतिहास में वीर शतरानियों ने भी वही गौरव प्राप्त किया है जो पुरुष योद्धाओं ने प्राप्त किया। हाड़ी रानी विचार करती है कि मेरी चिंता से ग्रसित ठाकुर साहब पूर्ण मनोयोग से युद्ध नहीं कर पाएंगे, वो अपने मन मस्तिष्क को केंद्रित नहीं रख पाएंगे, और कदाचित यदि उनके पति सही प्रकार से अपना क्षत्रिय धर्म का पालन न कर पाए तो वे किसी कापुरुष की पत्नी कहलाने के बजाय मृत्यु का आलिंगन करना ही बेहतर समझते थे। जब सबको एक दिन मरना ही है तो फिर इस नश्वर शरीर से मोह क्यों। अतः अपने पति की पूर्ण मनोयोग से युद्ध करने हेतु उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तभी उन्होंने मन ही मन एक विचार किया और उसने अपने जो परिचारक हैं उसको सारी बात समझाकर
तलवार उठाई और एक ही वार में अपना सर गर्दन से अलग कर दिया। परिचारक ने रानी जी का सिर थाल में सजाकर ठाकुर रतन सिंह चूड़ावत के सामने प्रस्तुत कर दिया। जैसे ही चूड़ावत रतन सिंह ने रानी का कटा हुआ सिर थाल में देखा, रतन सिंह जी की आंखों में आंसू छलक पड़े और वो युद्ध भूमि के लिए पूर्ण मनोयोग और जोश के साथ प्रस्थान कर गए। और उन्होंने युद्ध भूमि में जो पराक्रम का प्रदर्शन किया, वो शत्रु को दांतों तले अंगुली दबाने हेतु मजबूर हो गए। इस प्रकार हाड़ी रानी ने अपने पति के सम्मान हेतु हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। साथियों, राजस्थान के इतिहास में यह केवल एक बिरला उदाहरण नहीं है, इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण राजस्थान की भूमि पर बिखरे पड़े हैं। धन्यवाद। कीप वॉचिंग माय चैनल।